So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के T3X डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक्सेस कैसे करेंगे। गाइस ये जो सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऑफ स्क्रीन एनिमेशन सेटिंग्स है। जब आपकी स्क्रीन की लाइट जो ऑफ हो जाती है लॉक होकर, तो वहां पर ये एनिमेशन शो करता है। इसमें बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट्स मिल जाते हैं जिससे आप जो अपने ऑफ स्क्रीन एनिमेशन के लिए एक्सेस कर सकते हैं। वेल गाइस, फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक्सेस आउट करने के लिए हम सेटिंग्स को ओपन करेंगे। इसमें एक सेटिंग्स देखने को मिलती है जो है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर। एक बार हम उसको प्रेस करते हैं और इस तरह से आपके पास इंटरफेस मिल जाता है। राइट साइड में देखेंगे तो थ्री ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिसमें थीम्स और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शंस है और यूआई कलर का सेटिंग्स है। तो हमें यूज करना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। एक बार प्रेस करेंगे इसको इस तरह से और ये हमारा ऑप्शन है और ये करंट टाइम में ऑलरेडी हमारे फोन के अंदर इनेबल्ड है। दैट मींस हमारी जब स्क्रीन ऑफ होती है तो जो मैंने यहाँ पर एनिमेशन सेट करके रखा है स्टाइल वाला, वो वहां पर शो होता है। योडे स्टाइल्स पे क्लिक करना है। इसमें बहुत सारे मल्टीपल स्टाइल्स मिलेंगे जो हमने ऑलरेडी पहले बता दिया है। तो इसमें से आपको बहुत सारे कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया, तो जिस कैटेगरीज का आपको यहाँ पर विजिट्स पसंद आता है, लाइक टेम्पलेट्स पसंद आता है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मेरे केस में इस स्टार एडवांसर का मैंने सेट करके रखा हुआ, तो ह्यूमन जो का भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के कैटेगरीज है। आप क्लॉक में भी जा सकते हो, क्लॉक में भी आपको यहाँ पर कैटेगरीज मिल जाती है। तो ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। हालांकि सेट करने के लिए आपको जस्ट प्रेस करना है एंड यहाँ पर डेमो इस तरह से आपको कुछ दिखाएगा। इसमें इस कैटेगरीज में जितने भी आपको यहाँ पर इफेक्ट्स मिलते हैं वो टोटल विजिट शो हो जाएंगे। जो भी आपको पसंद है बस इस तरह से प्रेस करते रहिए, इसका डेमो दिखता जाएगा, देन अप्लाई बटन है प्रेस करेंगे तो ये जो है ये इजीली अपने फोन के अंदर अप्लाई हो जाएगा। और जब आपकी स्क्रीन लॉक होगी और स्क्रीन लाइट ऑफ होगी तो ये एनिमेशन आपके ऑफ स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होता है।